ऑलराइट, सो अगर आपको अपनी लाइफ में जरा सा भी सक्सेसफुल होना है ना, तो हैबिट्स आपके लिए मैप का काम करेगी। सही हैबिट्स आपको सही रास्ते पे, आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी, लेकिन गलत हैबिट्स आपको कहां ले जाएगी ना, ना वो मैं जानता हूं ना वो आप जानते हो। बस एक चीज फॉर श्योर है, वो आपको नीचे ही ले जाएगी। और आज के इस वीडियो में आपका भाई आपको 6 ऐसी वर्स्ट हैबिट बताने वाला है जो आपको क्विट कर देनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ की रख देगी। सबसे पहली हैबिट आती है प्रोक्रेस्टिनेशन। देखो, अपना जो काम है ना वो कल पे डाल देना, काम इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारा जो एटीट्यूड है ना वो ऐसा डेवलप हो गया कि हाँ भाई कर लेंगे, क्या ही जल्दी है, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। अब ये जो अपने काम को टालने की हैबिट है ना, ये मोस्टली हम बचपन में ही सीख जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्स जब तक सर पे ना आ जाना, तब तक हम बुक खोल के पढ़ना शुरू ही नहीं करते। हम क्या करते हैं, एग्जाम्स के कुछ दिन पहले ही पढ़ना शुरू करते हैं। और फिर आते हैं अल्ट्रा लेजेंड, वो क्या करते हैं, एग्जाम के एक रात पहले ही पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आप अपने आप को अपने क्लास के टॉपर से कंपेयर करो ना, तो वो बंदा रात को नहीं पढ़ रहा है, उसने पूरे साल पढ़ाई की है। और आप देख लो यार, वो सक्सेसफुल है। क्यों है? क्योंकि उसने अपने काम को कल पे नहीं छोड़ा, उसका जो भी पढ़ाई थी उसने रोज की है, एंड यस वो सक्सेसफुल है। तो अगर आपकी ये बुरी हैबिट नहीं गई ना, तो आप जॉब में, स्कूल में, बिजनेस में, कहीं पे भी अब सक्सेसफुल नहीं होने वाले मेरे भाई। अब पता है ये प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि हमारा जो डे है ना, हम प्लान ही नहीं करते, हमें पता ही नहीं कि भाई करना क्या है। तो अपने डे को प्लान करना शुरू करो, क्योंकि जब प्लान कर लोगे ना, तब आप ये वाली गलती कभी नहीं करोगे। हमारी दूसरी हैबिट आती है वर्स्ट वर्क मैनेजमेंट। अब इसके लिए ना मुझसे बेटर एग्जाम्पल ही नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी एक बहुत बुरी हैबिट थी। देखो, हम काम करना चाहते हैं, डेडिकेटेड है, लेकिन हमारा जो मैनेजमेंट है ना, वो इतना फुद्दू है ना कि भाई हम कुछ कर ही नहीं पाते। अब आप पूछोगे, मन भाई आप इसके बेस्ट एग्जांपल क्यों हो? देखो, पहले मैं मेरे जो वीडियोस थे ना, वो सुबह बनाया करता था। तो आपने नोटिस किया होगा, जो 2-3 साल पहले मेरे वीडियोस आते थे ना, वो वीक में 2-3 आराम से आ जाते थे। लेकिन उसके बाद मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने मेरे वीडियोस बनाना शुरू किया दोपहर को। मैं क्या करता था, जो मेरे इजी इजी काम है ना, वो सुबह खत्म कर लेता था, फिर सोचता था आराम से बैठ के वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस चक्कर में पता है क्या हुआ, लास्ट साल से देखो मेरे वीक में एक ही वीडियो आ रहे। क्यों? क्योंकि ये जो मैनेजमेंट था ना, ये बहुत बकवास था। मेरी जो एनर्जी, मेरी क्रिएटिविटी, मेरी प्रोडक्टिविटी थी ना, वो उन छोटे छोटे टास्क पे खर्च कर देता था, और उसके बाद वीडियो बनाने के लिए मेरे पास एनर्जी नहीं बचती थी जो एक्चुअली मुझे चाहिए थी। लेकिन जब मैं सुबह वीडियो बनाता था, मेरे पास पूरी एनर्जी रहती थी, मेरा माइंड क्रिएटिव था, मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव था। अब इससे मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, अपना जो भी सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो सबसे हार्ड काम है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए ना, उसको सबसे पहले किया करो सुबह। उसके बाद आपके पास पूरा दिन पड़ा रहेगा छोटे छोटे काम करने के लिए। एंड ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है यार, आई नो आप में से भी बहुत सारे लोग हो जो अपने वक्त को सही से मैनेज ही नहीं कर पाते, अपने काम को सही से मैनेज ही नहीं कर पाते। लेकिन अब टाइम आ चुका है इसे सही से मैनेज करने का, वरना हमारी लाइफ की लग जाएगी भाई। हमारी तीसरी हैबिट आती है ओवरडूइंग। परफेक्शन के चक्कर में ना, हम चीजों को कुछ ज्यादा ही करने लग जाते हैं, और अति हमेशा नुकसान करती है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, पानी हमारे लिए बहुत अच्छा है, पानी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन वही पानी अगर आप बहुत ज्यादा पी लो ना, अगर एक साथ 6-7 लीटर पी लो, तो आपको वॉमिट होगी, आपको बेचैनी फील होगी। इन शॉर्ट, अति किसी भी चीज की हो ना, वो आपको नुकसान देती है। और हम ये चीज कहां नहीं करते यार, अगर वर्कआउट करने बैठेंगे तो एक ही दिन में इतना वर्कआउट कर लेंगे कि भाई मसल सोरनेस हो जाएगी। और ये जो चीज है ना ओवरडूइंग, ये हम बहुत सारी जगह पे करते हैं, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पे इसका बहुत ज्यादा नुकसान आपको भोगना पड़ेगा, वो है ओवर हेयर स्टाइलिंग। हेयर केयर इंपॉर्टेंट है, हेयर स्टाइलिंग भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रोज रोज हेयर शैम्पू का यूज करना, या फिर रोज रोज हेयर वैक्स का या फिर पोमेड का यूज करना, इससे आप अपने बालों को डैमेज ही कर रहे हो। क्योंकि हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स अलग है और डेली हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स अलग है। जैसे कि मुस्टैक कोको एलो हेयर क्रीम, इसमें कोकोनट की गुडनेस के साथ एलोवेरा बीड्स है। कोकोनट आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और एलोवेरा आपके बालों को शाइनी और स्मूथ बनाएंगे। और मुस्टैक कोको एलो हेयर क्रीम की सबसे बेस्ट चीज ये है कि इसके अंदर कोई भी पैराबेन नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है जो आपके बालों को जरा सा भी नुकसान दे। और जस्ट इमेजिन करो, आप एक ऐसा हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज कर रहे हो जिसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, लेकिन उसको यूज करने के बाद बेनिफिट बहुत सारे, क्योंकि इसके अंदर कोकोनट है, एलोवेरा है, टी ट्री ऑयल है, और भी बहुत अच्छी चीजें हैं जो आपके बालों को चाहिए। ये आपके बालों को वो सारे न्यूट्रिएंट्स देगा जो उसे चाहिए, ये आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करेगा, आपकी हेयर ग्रोथ को बूस्ट करेगा, और एक ऐसी शानदार चीज देगा ना जो हम लड़कों को हमारे बालों में चाहिए, वो है वॉल्यूम। ये मेल पैटर्न बॉल्डनेस को रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करेगा, साथ ही
ये एंटी हेयर फॉल और एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टीज के साथ आता है और इसे यूज करना बहुत ही ज्यादा इजी है। सबसे पहले आपको अपने बालों को टॉवल ड्राई कर लेना है, उसके बाद आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना है, उसे अपने हाथों में रब करना है। अब रब क्यों करना है, क्योंकि अब ध्यान से देखो इसके अंदर एलोवेरा बीड्स है। अब जब ये बीड्स आप क्रश करोगे ना, तब ये एक्टिवेट हो जाएंगे और परफेक्ट आपको हेयर स्टाइल मिलेगी। इसके बाद अपने बालों को रूट से लेके टिप तक इवनली आपको ये अप्लाई करना है और अपनी डिजायर हेयर स्टाइल आपको बनानी है। डेली हेयर स्टाइलिंग के लिए मुस्टैक कोको एलो हेयर क्रीम बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। इसे परचेज करने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप इसे इजीली परचेज कर सकते हो। इसके अलावा यहां पे मैं मुस्टैक का कस्टमर केयर नंबर भी दे दूंगा, अगर आपको कुछ क्वेरी है इस प्रोडक्ट के रिलेटेड या फिर इनके किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो आप इनसे डायरेक्टली वहां पे जाके बात कर सकते हो। हैबिट नंबर 4 आती है कंपैरिजन। अब ये जो चीज है ना, ये आपसे आपकी बहुत प्राइसलेस चीज छीन लेगी, वो है आपकी खुशी, आपकी हैप्पीनेस। अगर आपने खुद को किसी और से कंपेयर करना बंद नहीं किया ना, तो आप कॉन्स्टेंटली अपने पैसे और अपनी मेंटल एनर्जी खर्च करते रहोगे। और कंपैरिजन एक ऐसी बीमारी है ना, मतलब जिसको लग गई उसके बाद सेटिस्फाई होना ना के बराबर हो जाएगा आपके लिए, आप सेटिस्फाई हो ही नहीं पाओगे। बहुत सारे लोग पता है कहते हैं कि कंपैरिजन सही है अगर बात हो रही है सेल्फ डेवलपमेंट की, क्योंकि अगर आप खुद को कंपेयर नहीं करोगे किसी और से तो आप खुद का डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे। लेकिन पता है मैं क्या बोल रहा हूं, अपने आप को किसी से इंस्पायर कर लो भाई, कंपेयर मत करो। इंस्पिरेशन से आपको वो सारी चीजें मिलेगी और वो सारी जो प्रॉब्लम्स है ना जो कंपैरिजन से आपको मिलती है, जैसे जलन, सेटिस्फाई ना होना या फिर फालतू की चीजें, वो आप नहीं होंगे। इसी से इंस्पायर होके भी आप बहुत आगे निकल सकते हो। और ये जो कंपैरिजन है ना, ये एक ऐसी बीमारी क्रिएट करता है जिसका कोई इलाज नहीं है, वो है जेलसी। हमारी 5वीं हैबिट आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, 100 में से 90 लोग ऐसे हैं ना जिनका मोटिवेशन या तो कुछ घंटे चलता है या फिर कुछ दिन चलता है या फिर मैक्सिमम एक हफ्ता चलता है, और उसके बाद वापस कहानी वहां पे ही आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई या फिर वर्कआउट, आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा, अब सीधी सी बात है उसको देखने के बाद आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाओगे, लेकिन वो मोटिवेशन कितनी देर चलता है, कुछ मिनट्स, कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ वीक्स, लेकिन बाद में क्या, बाद में वापस वहां पे ही आ जाते हैं हम। और ये तो पढ़ाई का एग्जांपल हो गया, इसके अलावा भी कितनी चीजें हैं यार। अगर आप अपने मास्टरबेशन और अपने पॉर्न देखने की हैबिट को चेंज करते हो तब भी ये प्रॉब्लम आती है, अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हो या फिर कोई भी और नशीली चीजें आप छोड़ना चाहते हो तब भी ये प्रॉब्लम आती है, अगर कोई अच्छी न्यू हैबिट डेवलप करना चाहते हो तब भी ये प्रॉब्लम आती है। और ये जो गजनी वाला नेचर है ना आपका, ये आपको सक्सेसफुल नहीं होने देगा। हमारी हैबिट नंबर 6 आती है एक्सक्यूज मेकर। हमेशा अपनी हार का जो ठीकरा है ना वो किसी और पे फोड़ देना। अगर सक्सेसफुल हुए तो भाई सारा काम मैंने किया था, और अगर गलती से फेल हो गए ना तो ऑप्शन है हमारे पास कि इस रीजन से फेल हुए। कभी भी हार की लायबिलिटी खुद पे नहीं लेते। ये जो एक्सक्यूजेस है ना, ये आपको फ्रीडम दे देते हैं फेल होने के लिए, क्योंकि आपको पता है यार कि हाँ अगर मैं पास हो गया तो ठीक है, और अगर फेल हुआ तो मेरे पास फलाना फलाना रीजन है कि भाई इस रीजन से मैं फेल हुआ। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप एक्सक्यूजेस नहीं बनाओगे ना, तो आपको पता है कि इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो आप अपना 110% दोगे उस काम में। लेकिन एक्सक्यूजेस आपको कंफर्ट दे देता है कि हाँ भाई पास हुए तो ठीक, फेल हुए तो भी ठीक। जिस दिन आपने एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर दिया ना, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी, आपको फोकस बनाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको सक्सेसफुल बनाएगी। सो आज के वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये जो हैबिट्स है ना इसे जल्द से जल्द क्विट करना शुरू कर दो, क्योंकि ये हैबिट आपके और आपके सक्सेस के बीच आ रही है। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है देन प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने सारे दोस्तों में दबा के शेयर करना, कोई कंजूसी मत करना। मिलते अगली वीडियो में। और एक और चीज, अगर आप अपने किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाओ ना मेरे भाई, कमेंट कर दो, आपका भाई जरूर वीडियो बनाएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।